हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे हाउ टू पेंट ग्लू एंड डस्ट पेंटिंग। इसके लिए सबसे पहले आपको कार्बन ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। देन जो भी आप पेंटिंग बनाना चाहते हैं वो पिक्चर को इंपोर्ट कर लीजिए, ये आपको एडिट करके दे देगा। आपको कोई भी डार्क बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, उसका कलर आप अपनी मर्जी के अनुसार सेट कर सकते हैं। देन नीचे यहाँ रिवर्स बटन है, इस पर क्लिक कीजिए और पिक्चर को सेव कर लीजिए। हमारी एडिटेड इमेज तैयार है, हम इसे देखकर ही बनाएंगे। चलिए, आप कोई भी डार्क शीट या फिर कैनवास है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। देन आप स्लो स्टोरीज की आउटलाइन ड्रा कीजिए। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं आउटलाइन ड्रा करने के लिए। ग्रिड मेथड बेस्ट है अगर आप परफेक्ट आउटलाइन चाहते हैं, बट मैं फ्री हैंड ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी 2-3 बार पहले ही प्रैक्टिस कर ली है। अच्छे से पिक्चर को ऑब्जर्व करके फिर इसकी आउटलाइन ड्रा कीजिए। ऑलमोस्ट हमारी आउटलाइन ड्रा हो गई है। आउटलाइन में जितना टाइम हो सकता है उतना दे, क्योंकि हमारी पेंटिंग पूरी आउटलाइन पे डिपेंड होगी। देन हमें डस्ट भी चाहिए, तो मैं चौक की डस्ट बना रहा हूँ। आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, जैसे गोल्डन डस्ट मिल जाती है तो आप वो भी यूज़ करते हैं, या फिर सैंड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं हम इसकी जगह। ध्यान दे, जो ये डार्क पार्ट है ना ब्लू वाला, इसकी जगह हमने ग्लो पेंट करनी है। इसमें मैं थोड़ा वाटर भी ऐड कर दूंगा, अदरवाइज गम बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी। जितना तेज हो सकता है आपको उतनी जल्दी ब्रश चलाना होगा ग्लो से पेंट करते वक्त, अदरवाइज ये जल्दी सूखने लगती है। अपने परफेक्ट आउटलाइन कर ली है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बस जितना जल्दी हो सकता है आप ग्लू से पेंट करते रहिए। आउटलाइन का भी ध्यान रखिए, अगर आपका ब्रश थोड़ा गलत चले जाता है तो उस पर उसका पेंटिंग भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। डू एज फास्ट एज यू कैन, बट आउट एंड का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ध्यान देना, जो पिक्चर में ग्लू वाला पार्ट था ना, हम उसमें ही ग्लू का पेंट कर रहे हैं। देखिए, जहाँ मैंने पेंट कर दिया वहां से जल्दी अभी सूखने भी लगा है, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कीजिए। देन हमने जो पहले डस्ट बनाई थी अब वो यूज करने का टाइम आ गया है। हौली हौली हमें डस्ट का शावर करना है पेंटिंग के ऊपर। मेक श्योर हर एक जगह इक्वल डस्ट स्प्रेड हो।
सॉरी हमें थोड़ी डस्ट कम पड़ गई, पर वही जितनी है उससे काम चला रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऑलमोस्ट हमारी पेंटिंग रेडी है, अगर आप भी बनाना चाहते हो तो इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। ये सबसे इजी मेथड है ग्लो पेंटिंग बनाने का, आपको इतने एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे इसमें। आई होप इट वॉज हेल्पफुल टू यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।